और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव किया है। योजना में रजिस्टर्ड लड़कियों को कॉलेज जाने पर अब एक की बजाय दो किश्तों में 25,000 रुपए की राशि मिलेगी। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। योजना में रजिस्टर्ड लाडलियों को कॉलेज जाने पर एक की बजाय दो किस्तों में 25,000 रुपए की राशि मिलेगी। जानकारी मिली है कि राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण लागू करने के पहले बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब पहले चरण वाली लाडली लक्ष्मी को सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप के एक मुफ्त 25,000 रुपए का भुगतान नहीं किया जाएगा। आज दो योजनाओं का संगम है, एक जो हमारे हृदय से निकली है लाडली लक्ष्मी योजना और दूसरी माँ तुझे प्रणाम, जो भारत माता के प्रति देशभक्ति की भाव पैदा करने के लिए प्रारंभ की है। ये योजना बीच में बंद कर दी गई थी, लेकिन आज लाडली लक्ष्मी बेटियां माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत इसकी बजाय बेटियों के खाते में दो किस्तों में राशि डाली जाएगी। बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। लाडली लक्ष्मी बनी बेटियों को इस साल कॉलेज में एडमिशन लेते ही 25,000 की राशि देना तय हुआ था। इसे शिवराज कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है, लेकिन हाल ही में वित्त विभाग ने एक मुफ्त खाते में 25,000 रुपए के भुगतान आपत्ति जताई थी। इसके बाद मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने अहम बदलाव किया है। अब कॉलेज में प्रवेश लेने वाली बेटियों को दो किश्तों में भुगतान होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना में अभी तक 43 लाख बेटियां रजिस्टर्ड हैं। साल 2024 में 1300 लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज जाने लगेंगी। ऐसी संभावना है कि सरकार एक किस्त की राशि साल 2023 में ही उनके खाते में डाल देगी। यहाँ बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। लाडली लक्ष्मी बनी बेटियों को इस साल कॉलेज में एडमिशन लेते ही 25,000 राशि देना तय हुआ था। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।